दूसरे अनलॉक के बाद दर्जनों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहडोल मुख्यालय के बाजारों एवं प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। अधिकारियों ने व्यापारियों सहित मुख्य मार्ग पर आवाजाही कर रहे नागरिकों को भी लॉकडाउन और अनलॉक के संदर्भ में जानकारी दी। इस दौरान कई दुकानदार जिन्होंने अनलॉक के नियमों का उल्लंघन किया उनके चालान भी काटे गए। शहडोल के उप पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों ने ही आम जनों से लॉकडाउन 2 के नियमों का पालन करने साथ ही कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के अनुसार 6 तारीख से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसके बाद में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है। तो ये तय हुआ था कि दाहिने और बाएं तरफ की दुकानों को बारी बारी से खोला जाना है। तो इसको लेकर जनता में भ्रम न हो इसलिए हम लोगों ने सर्वे करवा के बाकायदा चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उसके स्टिकर लगवाए हैं, पंपलेट लगवाए हैं, दुकानदारों को जागरूक किया है और व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जिनकी दुकान खोलने का क्रम है वही दुकान खोले, इसके लिए हम सभी अधिकारियों ने पैदल भी भ्रमण किया है और लगातार 2 दिनों तक हम लोगों ने शहर में भ्रमण किया है। उससे काफ़ी कुछ व्यवस्था अच्छी है। जिन दुकानदारों को भ्रम था उनका भ्रम दूर हुआ है। जहां हमें समझाइश देना था बिना मास्क के कुछ लोग मिले उनकी चालानी कार्रवाई हुई है और एक जनता में अच्छा मैसेज हुआ है, लोगों में काफ़ी जागरूकता है और कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ।